मंगलमूर्ति मंगलमूर्ति भोलिया। हेलो, आप सबको काशी अमरनाथ के मुहूर्त के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आई होप ये विजन बहुत सक्सेसफुल हो। आप सभी को मनोज तिवारी का नमस्कार। काशी अमरनाथ फिल्म की पूरी यूनिट को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रोड्यूसर्स प्रियंका चोपड़ा जी, डॉक्टर मधु चोपड़ा जी और हमारे सभी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव भाई, रवि किशन जी, आम्रपाली, आप सभी को शुभकामनाएं। राइटर संतोष जी को भी और रविशंकर जायसवाल को भी आप सबको शुभकामनाएं। आपकी फिल्म बहुत अच्छी करे। ऑल द बेस्ट। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं मधु मैम को, प्रियंका जी को और नेहा जी को, हर किसी को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और थैंकफुल हूँ कि मधु मैम और प्रियंका मैम ने फिर से हम लोगों पे ट्रस्ट किया और दूसरी फिल्म इन अ रो बनाने जा रही हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और काशी अमरनाथ की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा अभी जो मैं लाइन से कई फिल्में कर रही थी, बहुत इंडियन लुक, इंडियन 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 टाइप की फिल्में कर रही थी, इस फिल्म में मेरा बहुत ही एक वेस्टर्न लुक देखने मिलेगा और मेरा फेवरेट कैरेक्टर जिद्दी बिगड़ैल लड़की मुझे फिर से प्ले करने मिलेगा। सो मैं बहुत समय बात करने जा रही हूँ, अभी तक मैं कई फिल्मों से बहुत ही इंडियन, बहुत ही हाउसवाइफ टाइप की फिल्में करी थी, अब फिर थोड़ा चेंज ओवर मिल रहा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। प्रियंका चोपड़ा जी की बात करें तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं पहली बात तो, एंड प्लस आई थिंक जितनी खूबसूरत वो दिखती हैं उतना ही सुंदर उनका दिल भी है। शी इज़ अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड गर्ल और मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है, मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी लड़की को बहुत प्राउड फील होता होगा, हर कोई चाहती होगी कि वो प्रियंका मैम जैसी बने। वो इतना नाम कमा रही हैं दुनिया भर में, हमारे देश का नाम इतना रोशन कर रही हैं, तो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही उनको सारा यश और सारा सक्सेस मिले। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बीच में दो फिल्में मैं और दिनेश जी साथ में नहीं कर रहे हैं, वो किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं, मैं किसी दूसरे एक्टर के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन फिर से वापस इस फिल्म में हम दोनों एक साथ काम करेंगे, सो आई थिंक इट विल बी वंडरफुल, बहुत मज़ा आएगा फिर से काम करने।
केमिस्ट्री तो यार अभी भी आप लोग पूछ रहे केमिस्ट्री कैसी रहेगी, ऑब्वियसली सुपर भी रहेगी मेरी और दिनेश जी की केमिस्ट्री। इस फिल्म में काशी है, अमरनाथ है और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। आज हमारी शूट चल रही है, हमारे विलेन ग्रुप की शूटिंग चल रही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको देखने मिलेंगे। और कास्ट में मुझे फिलहाल तो अभी तक यही पता है, मैं हूँ, रवि भैया हैं, रवि किशन जी और दिनेश लाल यादव जी हैं। मनोज तिवारी जी आज इस मुहूर्त में नहीं है लेकिन उन्होंने अपना वीडियो भेजा है पूरी टीम को, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मनोज जी को, वो बहुत सपोर्टिव हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी बात हो, हमारी फिल्मों से रिलेटेड कोई भी बात हो, वो हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं और हमेशा अपना प्यार अपना आशीर्वाद हम लोगों को देते रहते हैं। तो थैंक यू मनोज जी, आपका वीडियो हमने देखा, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से काशी विश्वनाथ बम बम बोल रहा है, काशीवाद काशी अमरनाथ में एंट्री हो रही है और प्रियंका चोपड़ा जी की फिल्म बन रही, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका चोपड़ा प्रोडक्शन को, मधु चोपड़ा जी को, रविशंकर जी को कि इन लोगों ने मुझे दूसरी फिल्म में भी रिपीट किया। इस फिल्म में इन लोगों ने विलन दिया और बहुत अच्छा किरदार दिया। बम बम बोल रहा है काशी बहुत अच्छी गई और मुझे लगता है काशी अमरनाथ और अच्छी जाएगी। इस फिल्म में ऑलमोस्ट वही टीम है, रवि जी हैं और पहले दिनेश जी थे, अब इस बार दिनेश जी और रवि जी दोनों लोग हैं। तो एक तो ये बहुत बेहतरीन मैसेज जा रहा है इंडस्ट्री को कि हमारे जो प्रोड्यूसर आ रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा बैनर की फिल्म दूसरी बन रही है, ये बड़ी बात है। क्योंकि जब बम बम बोल रहा है काशी का पहले दिन का शूट था तो लोग फेसबुक पे लिखते थे कि बहुत सारे हिंदी के प्रोड्यूसर आए और हाथ जलाकर चले गए, अब प्रियंका चोपड़ा जी का नंबर है। पर यहाँ तो मामला उल्टा हो गया, अभी रिपीट हुई फिल्म, अब फिल्म भी फिल्म बनती रहेगी क्योंकि एक अच्छी फिल्म बनी थी, फिल्म ने कमाई किया था और यह सिनेमा उससे ज़्यादा कमाई करेगा, हम लोगों को यही उम्मीद है और हम लोग मेहनत से काम करेंगे। बात करें जैसे कि बम बम और काशी में आपने अपने अदाओं से कॉमेडी आपकी एक्टिविटी से पब्लिक हंस के नोट पर दी, इस फिल्म में आप क्या कर रहे हैं, हंसा रहे हैं या डरा रहे हैं? नहीं, इस फिल्म में हंसाएंगे नहीं, इस फिल्म में डराएंगे। फिल्म में कुछ अलग होना चाहिए, उसमें कॉमेडियन था और इसमें विलन है, तो थोड़ा सा हमारे डायरेक्टर संतोष मिश्रा जो हमेशा हमें एक अलग तरीके से पेश करते आए हैं, उनको मुझ पर भरोसा है, उन्होंने कहा कि इस बार मैं चाहता हूँ कुछ अलग करिए, इसमें मैं थोड़ा अलग करूँगा। नेताओं वाला किरदार नहीं है, किरदार मेरा ऐसा है कि घर का मुखिया होता है, बड़ा भाई होता है और गांव का आदमी है, बड़ा आदमी है और पूरे प्रॉपर्टी को संभाल रहा है, घर को संभाल रहा है, तो घर के एक बुजुर्ग बड़े आदमी का करैक्टर है, नेता नहीं। और बात करें जैसे मनोज तिवारी जी मुंबई में नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी ब्लेसिंग वीडियो के माध्यम से दी है। देखिए सर, मैं मनोज भैया को थैंक्स बोलूँगा, मनोज भैया हमारे सीनियर हैं और भोजपुरी का जो सेकंड इनिंग चालू हुआ उसमें उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है, तो उन लोगों के आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ते गए हैं और इस सिनेमा को भी उनका आशीर्वाद मिला है। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा अपने दर्शकों से, अपने लोगों से कि जैसे हर सिनेमा को प्यार दिया है ऐसे ही इस सिनेमा को भी प्यार दीजिए, जैसे हमने आपको हर सिनेमा में हंसाया है या आपको विलन का दिखाया है काम और आप निराश नहीं हुए, इस फिल्म में भी आप निराश नहीं हुए। काशी अमरनाथ आप लोगों को एक बेहतरीन मनोरंजक कंप्लीट पैकेज का सिनेमा मिलेगा। प्रियंका चोपड़ा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, प्रियंका चोपड़ा जी को तो हम लोग हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शान है, वो उनके साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं प्रियंका चोपड़ा जी ने तो प्रूव कर दिया, आज वो हॉलीवुड में भी काम कर रही हैं, इंडिया में भी काम कर रही हैं, तेलुगु तमिल हर जगह काम कर रही हैं, उनके बैनर में काम करना, उनको उनके बारे में कुछ बोलना सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। बस ये कहूँगा कि प्रियंका जी का प्यार मिला है, उनका सहयोग मिला है, तो हम लोग भोजपुरी को लेकर के कुछ अच्छा करेंगे। सर, वित्त मंत्री से हम तो यही मांगते हैं कि हमारे जो सिनेमा हॉल हैं उत्तर प्रदेश बिहार के और मुंबई के जो सिंगल स्क्रीन थिएटर जिसमें हमारा सिनेमा लगता है उसको सही करवा दीजिए, टैक्स कुछ कम कर दीजिए, कंपाउंड टैक्स की जगह अब थोड़ा और बिहार में कम कर दीजिए और सिनेमा वालों को रिनोवेशन दीजिए और हम लोगों को भी थोड़ी फैसिलिटी दीजिए ताकि हम अपना सिनेमा आगे ले जाएं, यही कहेंगे। क्या
पहले से यही डिसाइडेड था, पर अमरनाथ नहीं विश्वनाथ डिसाइडेड था, लेकिन फिर तय हुआ अंततः कि काशी काशी ही रहे हमारे, और विश्वनाथ जी को हमने अमरनाथ बनाया क्योंकि वो एक उनका लुक उसी टाइप से बेटर मैच करता है। और जब पहली फिल्म ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट किया था बॉक्स ऑफिस का, काफ़ी भी ट्रेंड थी बम्बम बोला है काफ़ी, उसके बाद दूसरी फिल्म बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है हमारी मैडम, एक कामयाबी को आगे बढ़ना रखना या उससे बड़ा बेंचमार्क साबित करना, तो ये किस चीज़ें किस तरह की चीज़ें वर्कआउट हो पाएंगे, बड़ी चीज़ की बड़ी प्लानिंग? बड़ी प्लानिंग भी है, कहानी बहुत विस्तार से बनाया गया है, प्रोडक्शन भी बहुत लार्ज होगा, स्केल लार्ज होगा, और इतने दिग्गज दोनों एक्टर्स हैं तो बड़ी फिल्म ही बनेगी, अच्छी बनेगी ये तो मैं गारंटी देती हूँ, और आपको पसंद आएगा ये आप हमको बताएंगे। मैम प्रियंका जी का बहुत तबियत खराब है, इंजरी आई है, तो कुछ बताइए मीडिया में, एवरीवन नर्वस रिगार्डिंग अ फैन। हाँ चोट तो आई थी उनको थर्सडे को, पर बेटर थे। हॉस्पिटल से? नहीं नहीं हॉस्पिटल नहीं गई थी, खाली MRI हुआ उनके, पर ठीक है। रिपोर्ट सब नॉर्मल है? हाँ सब नॉर्मल, एवरीथिंग ऑल राइट। और मैम जैसे कि दीपिका ने भी हॉलीवुड में किया है, ट्रिपल एक्स आई थी, बीन डीजल भी आए थे यहाँ पे, तो आप चाहेंगे कि प्रियंका मैम भी अपने पोस्टा के साथ बॉम्बे में आके इस तरह से मीडिया से बात करें पूरी तरह? ये तो स्टूडियोज डिसाइड करते हैं कि क्या होना, क्या उनका प्रमोशन प्लान होता है, मैं उनके बारे तो नहीं कह सकती हूँ, आप मुझसे काशी अमरनाथ की पूछें तो मैं ज़रूर बता सकती हूँ। मैम जैसे कि कॉफी जो करंट शो है वहाँ पे प्रियंका मैम अकेले आई, तो आप चाहेंगे कि प्रियंका मैम आने वाले साल में पार्टनर्स उनके साथ रहे? अकेले आई थी मतलब? कॉफी विद करण में अकेली? वो अकेले काफ़ी नहीं है, चार के बराबर है वो। वो तो है लेकिन आने वाले हाँ इसमें दो दिग्गज हैं, महारथी दोनों हैं, हमारी दोनों एक्ट्रेस भी, सब कोई किरदार बहुत वेल डिफाइंड वेल एच्ड है, और जिस किस्म का हमारे पूर्व में जैसा होता है, जमीन को लेकर, आन को लेके, बान को लेके, मेरारू को लेके, वही कहानी है इसके अंदर, तनातनी खूब है, ड्रामा खूब है, रोमांस भी है, अच्छे गाने हैं, पर गाना ऐसा कोई नहीं है जो आपके स्टोरी से हट के या ज़बरदस्ती डाला हुआ हो, सब स्टोरी को सामने से आगे से लेता हुआ जाएगा, हमारे गाने म्यूज़िक जो है, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। काशी बम बम बोल रहा है काशी से मेरे ख्याल दो चार नग ऊपर ही रहेगा। जैसे कि बम बम और काशी में भी गांव से शहर तक पड़ाव था, इसमें गांव दिखेगा या शहर दोनों दिखेगा? बिल्कुल भी गांव नहीं है, पर पिछड़ी हुई जगह है, और एकदम जैसे रांची पट्टा जैसा शहर भी नहीं है, शहर के बाहर का है, और एकदम गांव देहात जैसा भी नहीं है। कहाँ कहाँ करने वाले हैं? कुछ तो आप आज यहाँ देख ही रहे हैं, कुछ यहाँ बॉम्बे में होगा, और कुछ जहाँ तक तो हो सके बिहार यूपी झारखंड उस इलाके में भी करने वाले हैं। आई होप सो, संतोष जी से तो मैं कह रही हूँ। सब्सिडी नहीं, वहाँ सब लोग अपने हैं, सबको जानते हैं, सहूलियत भी पूरा रहेगा, और बहुत सुंदर जगह है वैसे भी देखी जाए तो, झारखंड का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अभी तक टैप नहीं किया गया, जो हम अपनी इस फिल्म में टैप करना चाहते हैं। अब ये तो आप संतोष जी से पूछिए वो कहाँ पर उनको फिट करते हैं। प्रोडक्शन हाउस है, एवरी टाइम जो इन्वेस्ट कर रहा है रीजनल, चाहे वो वेंटिलेटर फिल्म हो या पंजाबी फिल्म हो, भोजपुरी, तो क्या कारण है कि आप रीजनल में आप कर रहे हैं फिल्म नॉट बॉलीवुड? रीजनल के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन रीजनल बड़ा पिछड़ा रह गया है बहुत दिन तक, इतनी अच्छी कहानी है उनके पास, इतने टैलेंट्स अच्छे हैं, उनका दुरुपयोग ज़्यादा हुआ मैं कहूँगी, या उनका सदुपयोग नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के जितने रीजन की अच्छी कहानियां हैं उनको मैं पूरे भारतवर्ष में दिखाऊं, या हो सके प्रियंका के बदौलत इंटरनेशनल मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। और आने वाले टाइम पे कोई मराठी फिल्म बना रहे हैं? जी आज हमारी मराठी फिल्म का भी मुहूर्त हुआ है। ओके मैम
प्रियंका मैम संजय लीला भंसाली की फिल्म में कुछ काम करने वाली, सर कुछ आपको? संजय जी से पूछिए, उनके बारे में हम नहीं बता सकते अभी कुछ भी। थैंक यू मैम फॉर योर गिविंग योर टाइम। ऑडियंस को कहेंगे कि आपको जो हमसे अपेक्षा है, हम आपके अपेक्षा के ऊपर, उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम आपकी उम्मीद से बेहतर ही दें आपको, ताकि आप हमेशा हमसे अच्छे ही का उम्मीद रखें। मैम एक रिक्वेस्ट है, आप एक अपील करिए, शीट फाइन है मैम, प्रियंका मैम से फाइन एक आप। हाँ, ये खबर तो सही है कि उनको चोट लगी थी, लेकिन अब वो ठीक हैं और डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से हट गई है, अब घर पे हैं आराम से। मैं जैसे कि पड़ोसी की बात होती है तो पहले कहीं रविशंकर जायसवाल जी का क्या कहने के अनुरोध को लेकर साथ हैं? किन का? रविशंकर जायसवाल जी, जो आपके सबसे पहले तो आप मेरे को प्रोड्यूसर का नहीं पूछे, सुधा जायसवाल, सुधा जायसवाल और उनकी बेटी सुधा जी और उनकी बेटी नेहा, ये मेरे साथ को प्रोड्यूस कर रही है फिल्म, तो वो पुराने भोजपुरी के दिग्गज लोग हैं, तो उनका सहारा सपोर्ट रहेगा तो हमारी फिल्म और अच्छी बनेगी। और रवि, जिनको आप रवि शंकर जायसवाल बोलते हैं, उनको हम आर एस जे बोलते हैं, बहुरूपिया हैं, लेकिन अपने काम को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और बहुत अच्छे से निभाते भी हैं, तो हमारे लिए मेजर एसेट है आर एस जे। नहीं, मैं तो संतोष जी के काम से वैसे ही बहुत सेटिस्फाइड रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे राइटर हैं और एक राइटर दूसरे राइटर का तो बुराई कर नहीं सकता लेकिन संतोष जी ने वाकई सुपरहिट फिल्में लिखी हैं, पहले की सारी फिल्में एज ए डायरेक्टर उनकी बड़ी हिट रही है, तो यहाँ पर भी आके मुझे ये लगा कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और हम एक अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं संतोष जी को और पूरी टीम को बेसिकली बधाई देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हो और भोजपुरी इंडस्ट्री को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। सबसे बड़ा तो महेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं इनको बुलाया है ना और आए, उसके तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आने के बाद जो काम करने का तरीका है ना, और आके इन्होंने जो गाइड किया वो मेरे लिए फिल्म में दिखेगा है ना, और सबसे तहे दिल से धन्यवाद कि महेश जी आए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। संतोष जी, इससे पहले बम्बम बोल रहा है काफी आई थी, अब नई फिल्म आई है, पहली फिल्म को लेकर कुछ सारे विवाद भी हुए थे, जनता को लेकर सवाल उठे थे, दूसरी पारी है अब और ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, उससे कैसे पार पड़ेंगे आप? देखिए, जिम्मेदारियाँ तो बढ़ती ही जाएंगी जब आप बेहतर काम करना चालू करते हैं, और इसके पहले अगर कोई भी बड़ा काम होता है तो विवाद जाहिर से बात है कि होता ही है, उसको भी अच्छे तरह से करके निकल गए थे, और उससे बड़ा जिम्मेवारी दूसरी बार भरोसा करना कंपनी का, पीसी मैम का, मधु मैम का, और पूरी टीम जो हमारी फिर लगन से काम कर रही है और पिछले से बहुत बेहतर करेंगे हम लोग, सबका सहयोग हमारे साथ रहेगा। मुझे हमेशा से राय, मैं पिछले 10-12 सालों से बोल रहा हूँ कि हमको ट्रेंड बदलना पड़ेगा, कि एक ही तरह का सिनेमा, एक ही तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें बहुत बेसिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। हमें लोग जिस तरह से जानते हैं बेसिकली, हमें उनकी नज़रों में अपनी पहचान को बेसिकली बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उस तरफ मेरे ख्याल से अब कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, लोग अब अच्छी फिल्में बनाने लगे हैं, मजबूरी हो चुकी है सबकी अच्छी फिल्में बनाने की, क्योंकि बहुत सारे निर्देशक संतोष जी हैं, मंजुल ठाकुर हैं, दूसरे और डायरेक्टर्स भी हैं जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं, और कहानी पे ज़्यादा काम हो रहा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में स्वरूप तो बहुत ही बेहतर लेवल पे बदलेगा और कहीं ना कहीं हम भी एक इंडस्ट्री का दर्जा तो पा सके, इसकी ये कोशिश रहेगी हमेशा, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। और तो महेश जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग तो इनसे मतलब बाद में हैं, और ये शुरुआत महेश जी शुरुआत में जब भोजपुरी में कदम रखे थे उसी वक्त इन्होंने बेहतर करने के लिए हर अच्छा प्रयास किया और करते जा रहे हैं, और हम इनके पीछे हैं। अरे नहीं, अब हम साथ में लगातार हमें साथ में जारी रहेगा। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो सभी भोजपुरी दर्शकों को करण पांडे का प्रणाम स्वीकार हो, और जैसे कि कल मकर संक्रांति का त्यौहार था तो सारे भोजपुरी दर्शकों को, सारे हिंदुस्तान को करण पांडे की तरफ से मकर संक्रांति खिचड़ी की बहुत बहुत बधाई।
और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि काशी अमरनाथ का किरदार, तो देखिए सर सीधी बात बताऊंगा, काशी अमरनाथ का किरदार तो अब जैसे निगेटिव करता हूँ निगेटिव है, लेकिन ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि हमारे डायरेक्टर ने बोला है ज़्यादा कुछ बताने के लिए, फिल्म जब आप देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगी। मेरा बैड लक था कि मैं पहली प्रियंका जी के पहले पर्पल बबल के पहले प्रोडक्शन में बम बम बोल रहा है काशी में कुछ डेट की इशू की वजह से नहीं कर पाया, बट आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं प्रियंका जी के दूसरे प्रोडक्शन में संतोष मिश्रा के डायरेक्शन में मैं काशी अमरनाथ फिल्म कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे भी आप लोग बधाई दीजिए और मैं भी सबको बधाई देना चाहता हूँ। सर जैसे फिल्म का मुहूर्त है, मनोज तिवारी प्रियंका चोपड़ा जी ने ब्लेसिंग दिया है, फिल्म को क्या कहना चाहेंगे? जी ब्लेसिंग तो मनोज भैया की पूरे भोजपुरी समाज को रहती है, पूरे भोजपुरी सिनेमा को रहती है, उनको भी प्रणाम है। और प्रियंका जी की ब्लेसिंग के साथ में हम आज पहले दिन पहले शूट शुरू कर रहे हैं फ्यूचर स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर काशी अमरनाथ से? काशी अमरनाथ की शूट को लेके मैं भोजपुरी समाज को और भोजपुरी ऑडियंस को ये एक बात बताना जरूर चाहूँगा कि जैसे कि आज तक आप लोग देखते आए हैं कि लोग बोलते भी थे कि वल्गर्टी फुहड़पन ये सब, जैसे पहले आपने देखा पर्पल बबल की फिल्म बम बम बोल रहा है काशी, उसके बाद अब काशी अमरनाथ देखने जो जाएंगे आप, एकदम साफ सुथरी स्वच्छ भोजपुरी फिल्म जो अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, हम अपने पूरे परिवार के साथ में पूरी फिल्म देखेंगे और मजे करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आप मीडिया के तहत तमाम भोजपुरी बोले वाला भोजपुरी श्रोता के भोजपुरिया काका अरुण सिंह के प्रणाम बा, नमस्कार बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। आज बड़ा खुशी के माहौल बा कि आज काशी अमरनाथ फिल्म के मुहूर्त बा और हम अपन मित्र संतोष मिश्रा जी के जे के फिल्म के राइटर बड़े डायरेक्टर बड़े और प्रियंका चोपड़ा जी के स्पेशली हम धन्यवाद देव कि भोजपुरी फिल्म दूसरा लेके जा रहा बड़ी फ्लोर पर। और ये फिल्म में जे भी जुड़ल बा, फिल्म के जे भी कलाकार बा, दिनेश लाल जी, अमरपाली जी, रवि भैया जे भी जुड़ल बा, सब लोग के हमारा तरफ से प्यार बा और हम अपेक्षा करब कि हमनी के फिल्म बहुत अच्छा हिट हो, पब्लिक के बीच में अच्छा मिले। और हमें फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर में ही बानी, जबकि हमने के दूसरा शेड्यूल जब अप्रैल में लागे वाला बा वो भरी हमारी शूटिंग हो। ये बहुत खुशी के बात बा कि प्रियंका जी पहला फिल्म के लिए उनका अच्छा लागल भोजपुरी में, उनका अच्छा चीज़ मिलल और दोबारा भोजपुरी में आई बड़ी से सीधा उदाहरण ही है कि उनका अच्छा लागल बा, उनका बहुत प्यार मिलल बा हमनी के भोजपुरी श्रोता के, तब वो दोबारा वो फिल्म करे जा रहा बड़ी। और हम चाहब कि हमेशा भोजपुरी में जुड़े रहस, हमेशा भोजपुरी से काम करस और हमनी के हमेशा उनके साथ काम करिए। मैं प्रतिभा ठाकुर फिल्म संसार बोर्ड की मेंबर हूँ प्लस अखिल भारतीय सुप्रीम महासभा की ऑल ओवर गुजरात की प्रेसिडेंट हूँ और पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हूँ। पिक्चर जो काशी अमरनाथ, सबसे बड़ी बात तो प्रियंका जी ने ये चीज़ सोचा है कि एक पिक्चर बनाने के बाद बम बम बोल रहा है काशी और उन्होंने फिर दोबारा इस चीज़ को सोचा कि हम फिर एक पिक्चर प्रोड्यूस करने जाएं, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, खासकर हमारे उत्तर भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके लिए मैं प्रियंका जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी और उनका अभिनंदन करूँगी। और हमारे जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के संतोष मिश्रा जी, वो एक बहुत ही सफल डायरेक्टर हैं, हमेशा उन्होंने भोजपुरी एक सफल भोजपुरी पिक्चर को उन्होंने डायरेक्ट किया हमेशा और सफल फिल्में दी हैं। और आम्रपाली जी, किशन जी को सबको, प्रेम किशन जी को सबको और पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल दी बेस्ट कि जैसे हम प्रियंका जी को प्रूव करें कि पहला जैसा काम हमने उनको उस पिक्चर में दी थी यहाँ भी देंगे और हम उत्तर भारतीयों को एक हम गर्व हमारा हम प्राइड कर सके कि हम उत्तर भारतीय भी वी कैन डू समथिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह, भारतीय जनता पार्टी मंडल का अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा।
आप सभी टीम को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ हमारे मित्र श्री संतोष मिश्रा जी को और उनकी पूरी टीम को एक और पिक्चर बनाने के लिए, भोजपुरी पिक्चर जो करने जा रहे हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। संतोष मिश्रा जी का नाम आ जाता है उससे पहले आदमी सोचता है कि नहीं ये करने वाले क्या हैं, आगे क्या करेंगे, या फिर इसके पहले इन्होंने क्या किया हुआ था, कुछ कहना ही नहीं है। एक और ब्लॉकबस्टर वो देने जा रहे हैं, इसके पहले उन्होंने बम बम बोल रहा है काशी बनाया, मोकामा जीरो किलोमीटर बनाया और ढेर सारी पिक्चर्स बनाई हुई है, तो उनका नाम ही काफ़ी, यहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से सभी उत्तर भारतीयों की तरफ से संतोष मिश्रा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ मैं प्रियंका चोपड़ा जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा हुआ है, भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके आने के बाद एक नया मकाम हासिल, भोजपुरी इंडस्ट्री को नया मकाम हासिल होगा। प्रियंका चोपड़ा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ हमारे सारे पत्रकार बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले वर्षों में आप लोग भी बहुत बढ़िया करें, आगे अच्छा करते जाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बात कर रही है संसद में आप हैं तो जो आप लोग देखते हैं संसद के लिए प्रमाण पत्र क्या कहते हैं, भोजपुरी सिनेमा की क्या नजरिया आपका? मुझे एक बात मैं बोलूँ ना तो शायद मैं तो मुझे एक दो और भोजपुरी पिक्चर के मतलब मुहूर्त में बुलाया गया था और मुझे कुछ प्रोमो भी दिखाए गए थे हमारे सूरत में, तो उस समय तो मैं बोली थी मैं बहुत दुखी हूँ जो आज ये पिक्चरें बन रही हैं, जो बोलते हैं क्या करें मैडम पिक्चर चलती नहीं इसलिए हमको ये बनाना पड़ता है। थोड़ा तो हम सोचते हैं कि वीडियो में तो चलेगा, वीडियो थिएटर में तो चलेगा, तो बड़ा दुख होता है। मेरे पास तो मतलब इतनी वेलगरिटी आया तो मैं शायद कभी अप्रूवल दूंगी भी नहीं, और जब मैं पिक्चर देखती रहती हूँ वहाँ जो हमारे और कोई मराठी भाई या कोई बैठे होते हैं तो एक अजीब सी स्माइल देते हैं ना, तो बड़ी मतलब वो एक मिस्टीरियस मुस्कान जब वो देते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। हम अपनी पुरानी पिक्चरों को विदेशिया ले लो, लागी नाई छूटे राम ले लो, गंगा मैया तो पियरी चढ़े, क्यों ये सब ब्लॉकबस्टर फिल्में थी, क्यों आप लोग ये चीप चीज़ें डाल के जो हमारे उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश करें या कुछ ऐसा हो। पिक्चर मैं बस रिक्वेस्ट करूँगी कि पिक्चर बेचने के लिए प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ भी मत कीजिए, अच्छी पिक्चर बनाइए, हमेशा अच्छी पिक्चर चली है। अरे आमिर खान को आप देखते हो साल में एक बार बनाते हैं, लेकिन अभी दंगल देखो क्या है उसमें, तो ऐसा कुछ कोशिश करो, इतना जल्दी हिम्मत हार के नहीं, हमको बेचने के लिए कुछ करना नहीं। और देखिए हमेशा पिक्चर अच्छी जाएगी और ब्लॉकबस्टर रहेगी और खूब कम मतलब जो भाई सोचते हैं कमाई का तो खूब कमाई होगी। अभी मतलब कुछ सालों में कुछ फिल्में बन रही थी पारिवारिक फिल्में बननी चाहिए और बनी है जो बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे आपको मैं तो जहाँ तक देखती हूँ उत्तर भारतीय जो बेचारे परिवार से ही तो थिएटर में जाना उनकी हालत ही खराब हो जाती है कि परिवार को लेके हम कैसे पिक्चर देखने जाएं, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत कीजिए। बहुत ही एक बार मेरा बस चले तो मैं तो लागी नहीं छूटे राम का मैं खुद रिमेक करूँ और बोलूँ कि और लोगों को प्रूव दूँ कि देखो पिक्चर चलेगी और कितना और लोग पसंद करेंगे, मांगते हैं लोग, हमारे उत्तर भारतीय भी परिवार से ही पिक्चर देखना चाहते हैं लेकिन नहीं देख पाते हैं। प्रियंका चोपड़ा जी क्योंकि उनकी बम बम बोल रहा काफी उसमें आपने भी देखा होगा पूरी पारिवारिक फिल्म है, तो क्या करना चाहेंगे? बहुत बहुत अच्छी बहुत अच्छी, मैं तो बहुत मुझे पता नहीं आप विश्वास नहीं करो मुझे इतना गर्व फील हो रहा है, मैं तो प्रियंका जी को पर्सनली मिल के भी थैंक यू बोलूँगी और मैं जितना उनको थैंक्स बोलूँ क्योंकि मैं एक उत्तर भारतीय हूँ। प्रियंका जी के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया, प्रियंका जी ने एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम रखा हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आने के बाद भोजपुरी मूवीज़ को एक ऊंचाइयों पे वो उनके आने के बाद भोजपुरी मूवीज़ जो है काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगी, तो हम तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि प्रियंका जी आप इंडस्ट्री में आई और उन्होंने कम से कम हमें हमारे उत्तर भारतीयों को हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना आगे बढ़ाने का काम किया हुआ। साथ ही संतोष मिश्रा जी, हमारे मनोज तिवारी भाई, हमारे दिनेश लाल यादव जी, आम्रपाली दुबे जी, इन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले जो कुछ भी था चीज़ें बनती थी ये होती थी, आज यहाँ का भी भोजपुरी जो व्यूअर्स हैं वो लोग भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और पहले से हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं आगे ऐसे ही पिक्चर्स बनती जाएंगी और अच्छे से अच्छे आप लोग नए मील के पत्थर गाड़ते जाएंगे। जैसे आपकी मूवी थी मोकामा जीरो किलोमीटर, तो एक समय ऐसा आएगा कि बॉलीवुड जीरो किलोमीटर है देन भोजपुरी इज़ लाइक जीरो किलोमीटर। तो बहुत सारी शुभकामनाएं संतोष मिश्रा जी को और आप सभी लोगों को कि उन लोग इतना बढ़िया सराहनीय कदम इसमें रख रहे हैं, हमारी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। सर बात करें बम बम बोल रहा है काशी के बाद अब प्रियंका चोपड़ा जी बना रही है काशी विश्वनाथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले एक बात बता दूं, इसका नाम पहले काशी विश्वनाथ ही रखा गया था,
लेकिन टाइटल न मिलने की वजह से काशी अमरनाथ रख दिया गया। और ये उनकी दूसरी फिल्म है। जब प्रियंका जी ने पहली फिल्म बनाई तो बहुत से लोगों ने ये कयास लगाया कि वो दूसरी भोजपुरी फिल्म नहीं बनाएंगी, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो दूसरी फिल्म बनाने जा रही हैं, जिसकी शूटिंग आज से यहाँ पर शुरू हुई है। और बम बम को देखने से पहले ही बहुत लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी थी, लेकिन सभी आलोचकों का मुंह बंद हुआ जब फिल्म प्रदर्शित हुई और दर्शकों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो इस बार संतोष मिश्रा जी जो हमारे लेखक निर्देशक हैं, वो एक बिल्कुल नई कहानी लेकर आ रहे हैं आपके सामने। और प्रियंका जी, मधु चोपड़ा जी, रविशंकर जायसवाल, इन सब का मैं बहुत आभारी हूँ कि इस बार मुझे भी इस फिल्म में कास्ट किया गया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में निभा रहा हूँ। और इस फिल्म के सभी कलाकारों को, फिल्म से जुड़े सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। क्या पूछ रहे हैं? ओके, मेरा नाम सपना गिल है, बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ और मैं आई डोंट नो अबाउट भोजपुरी, बट प्रियंका मैम और मधु मैम उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैंने इसीलिए हाँ बोल दिया। जी, ये मेरी पहली भोजपुरी पिक्चर है। देखिए, आप अगर कहेंगे कि अगर पंजाबी, मतलब आई एम पंजाबी, ठीक है, तो करेक्टर इट्स माई लाइक सेकेंड लीड करेक्टर है, तो सेकेंड लीड है और मैं पंजाबी हूँ तो मेरे लिए ये बहुत टफ है भोजपुरी बोलना। तो अभी बहुत नो, कोई कन्वेंस नहीं किया है किसी ने भी, मैंने खुद ने ही इस मूवी के लिए हाँ किया है बिकॉज पीसी बैनर, दैट्स व्हाई मैंने उनके लिए हाँ किया। और मधु मैम को थैंक यू बोलती हूँ बहुत सारा, क्योंकि उन्होंने मुझे लाइक इस काबिल समझा कि मैं ये मूवी कर सकती हूँ। और प्रियंका मैम को भी बहुत थैंक यू, ऑफकोर्स डायरेक्टर है संतोष सर, रवि सर, सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये मूवी कर रही हूँ। नहीं, नर्वस तो नहीं हूँ, ऑफकोर्स पहले भी मूवीज कर चुकी हूँ तो नर्वस नहीं हूँ, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मैं तो उनके लिए न्यू ही हूँ, वो लोग बहुत काम कर चुके हैं, नया एक्सपीरियंस मिलेगा काम करने का, तो बस यही है। इन्होंने कहा कि ये पंजाबी हैं, किस्मत से मैं भी पंजाबी हूँ, अनु अरोड़ा मेरा नाम है। तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी। और नए लोगों की भोजपुरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बम बम में भी एक नई लड़की आई थी, बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद उसने लीड हीरोइन में पहली नज़र को सलाम एक फिल्म भी की। तो इनके लिए भी मैं शुभकामना देता हूँ, अच्छा काम करेंगी। और अभिनय में भाषा बहुत आड़े नहीं आती ऐसा मुझे लगता है, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। एक अच्छे बैनर से, एक अच्छी टीम के साथ ये शुरुआत कर रही हैं, निश्चय बहुत आगे जाएंगी।